नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ की लालगंज से खबर है, जहां ग्राम पंचायत समय मसीरपुर में सड़क जलमग्न हुई, जनता बेहाल हो गई है। मसीरपुर रोड मोड़ से लालगंज बाईपास के शंकर जी तिराहे तक आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। बारिश के कारण गड्ढे जलमग्न हो गए, आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। सड़क जलमग्न हो गई है, कीचड़ का अंबार है, आए लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग गहरी निद्रा में है, विभागीय अधिकारी सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक एवं पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह तिलखरा व दी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग काफ़ी दिनों से खराब चल रहा है, सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। मानसूनी बारिश के कारण गड्ढे में पानी से भर गए हैं, जिसके कारण पूरी सड़क जलमग्न हो गई है। जनता को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। लोक निर्माण विभाग आग्रह करने के बावजूद ध्यान नहीं दे रहा है। लोक निर्माण विभाग सड़क की मरम्मत में रुचि नहीं ले रहा है। लगता है अधिकारी सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। प्रकरण अत्यंत गंभीर है। लोक निर्माण विभाग सड़क की अतिशीघ्र मरम्मत कराए, इस प्रकार की हम मांग करते हैं। और लोक निर्माण विभाग, ये प्रशासन एकदम मौन बन करके कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए है, सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। इस विभाग को समय रहते चेत जाना चाहिए, अविलंब इस गड्ढा को पटवा करके सड़क को ठीक कराए और पानी की निकासी कराए। अन्यथा हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ, मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ, ये स्थिति पैदा न हो कि प्रशासन के खिलाफ हम सभी लालगंज विधानसभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनता एक आवाज के तहत जाकर चक्का जाम करें, धरना करें। ये हमारे तरफ से ये अल्टीमेटम है, प्रशासन समय रहते चेत ले और उसकी अविलंब समस्या का समाधान कराए। धन्यवाद। लालगंज तहसील मुख्यालय स्थित विधानसभा और लालगंज लोकसभा केंद्र जो लालगंज है, उस टाउन से, लालगंज टाउन से सटे मसीरपुर ग्राम पंचायत है, जहां थोड़ी भी वर्षा हो जाती है तो मसीरपुर चौराहे से लेकर के टॉकीज तिराहे तक, मेन बाजार तक पूरा नारकी स्थिति हो जाती है। तमाम गड्ढे बने हुए हैं। रोजाना आने जाने वाले, चाहे ठेले वाले हों, दो चक्के वाले हों, चाहे चार पहिया वाहन वाले, तमाम लोग रोज गिरते हैं।